नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मलोक की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ की 6 बेहतरीन एक्शन ड्रामा मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों, आज की सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 6 पर आती है 2019 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म महिरा, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजवी शेट्टी, वर्जीनिया रोड्रिगस, चैत्रा आचार और अपूर्वा सोमा के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो माया और आद्या एक माँ बेटी एक तटीय कर्नाटक शहर में अपना समुद्र तट कैफे चलाकर एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। हालांकि यह सुखद जीवन तब बाधित हो जाता है जब पुलिस और कुछ अपराधी दोनों माया की तलाश में निकल पड़ते हैं। माया अपनी बेटी को हत्यारों से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माया की असली पहचान क्या है, ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है, और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 54% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म नेनेना, और इस फिल्म को हिंदी में मीनाक्षी नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में रेजिना कैसेंड्रा, अक्षरा बोरा, वेनिला किशोर और जयप्रकाश के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो पुरातत्वविद दिव्या को जांचकर्ताओं को एक विदेशी नागरिक की रहस्यमय मौत के अपराध स्थल के भूविज्ञान को समझने में मदद करने का काम सौंपा गया है। वो वन रेंजर बोबिली राजा के साथ मिलकर एक महिला के कंकाल के अवशेषों का पता लगाती है जो बीते युग के हैं। जब फोरेंसिक विशेषज्ञों ने खोपड़ी से चेहरे का पुनर्निर्माण किया तो ये दिव्या जैसा दिखता है और सभी हैरान रह जाते हैं। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है, और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 4.2 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 66% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2020 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म अन्वेषणम, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में जयसूर्या, श्रुति रामचंद्रन, विजय बाबू, लियोन लिशोए और नंदू के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो अरविंद को सूचित किया जाता है कि उसके परिवार के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा जो उसका इंतजार कर रहा है। वह एक झटके के रूप में आता है क्योंकि वह जल्द ही सवालों के चक्रव्यूह में फंस जाता है जिसके जवाब खोजने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है, और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 46% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म इरुधी पकम, और इस फिल्म को हिंदी में द लास्ट पेज नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में अमृता श्रीनिवासन, राजेश बालाचंदीर और गिरिजा हरी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक स्वतंत्र युवती की उसके अपार्टमेंट में हत्या कर दी जाती है। जांच दल इसे एक साधारण मामले के रूप में देखता है क्योंकि पीड़ित का लोगों के साथ मुश्किल से कोई संबंध था। हालांकि यह अब तक के सबसे जटिल मामलों में से एक साबित हुआ है। क्या एक साधारण जांच दल हत्यारे को खोजने के लिए कोई जादू कर सकता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है, और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 77% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2017 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म आठ थुक्कल, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में वेत्री, अपर्णा बालामुरली, MS भास्कर, नस्सर और मणिकर्दन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो सत्य एक ईमानदार व्यक्ति गलती से अपनी सर्विस पिस्तौल खो देता है जिसमें 8 गोलियां भरी हुई थी।
इससे पहले कि वह पिस्तौल वापस ले पाता वह काले बाजार में पहुंच जाती है और मूर्ति नाम के एक व्यक्ति को बेच दी जाती है जो इसका इस्तेमाल बैंक डकैती के लिए करता है, जबकि सत्य अपनी पिस्तौल की तलाश में है। उसी पिस्तौल से हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है क्योंकि मूर्ति को अपने अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 50% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म मंगलवारम, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णा और अजय घोष के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो महालक्ष्मीपुरम के विचित्र गांव में हर मंगलवार को रहस्यमय मौतों का एक भयानक पैटर्न सामने आता है। इन अशुभ घटनाओं से पहले की दीवारों पर गुप्त लेखन द्वारा घोषित किया गया जिज्ञासु SI माया जो हाल ही में पुलिस बल में शामिल हुई है पोस्टमार्टम परीक्षाओं में उलझकर रहस्य को सुझाने का प्रयास करती है। हालांकि उसके प्रयासों को दुर्जय जमींदार प्रकाश बाबू के नेतृत्व में ग्रामीणों के कट्टर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 92% लाइक्स मिला है। दोस्तों ये थी वे साउथ की 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।